दरिया सतलुज से आई बाढ़ ने सुल्तानपुर लोधी में भी भारी तबाही मचाई। सुल्तानपुर लोधी के सतलुज के साथ लगते कई गांव पानी की चपेट में हैं। सेना की मदद से प्रशासन की लोगों को बाढ़ से निकालने के लिए लगातार कोशिश जारी है। मेरा नाम जी प्रगट सिंह बखू, जनरल सकत्तर भारतीय किसान यूनियन राजेवाल पंजाब। हाँ जी, ये कल शामी टुटा जी बन मडाला, इतने नाल ही गिदड़विंडी वाले पुल तो नाल टुटा जी। इन्दे नाल घट्टो घट भी 20 तो 22-25 पिंड एड़ गेड़ जिहड़ा एरिया फैक्टर होना, बहुत वड्डे पद्धर से जिहड़ा किसानां दा मार पैन रही है जी। क्योंकि किसान अज तो बाद मैं समझना जिहड़ी एड्डी वड्डी मार पैगी दोबारा नहीं उठ सकणगे, क्योंकि किसानां दे पल्ले कख नहीं गा। सारा जिहड़े पूंजी ला के किसानां ने झोना तैयार कीता सी, किसान एवन मजदूर और लोग बेघर होए बैठे, तुसीं हाल वेखो सड़कां ते की आ। दूजे पाने सरकार वारस हुंदी है जी, सरकार दा तुहानूं खुफिया तंत्र, कोई इत्थे सरकारी कोई डीसी कोई नहीं आउंदा जी, गड्डियां दे आण के गेड़े मार के जरूर इत्थे सड़कां ते चले जांदे आ। ना इत्थे मलाना चाहीदा, अगर वोट आउण विच देखो जी फसे होए आ, दूजियां बेड़ियां लग गए इत्थे, लोग जिमीदार आप बेड़ियां खरीद खरीद लियाउंदे ने ते उत्थे जाण नहीं दईआं। हुण रिश्तेदार पासिओं कोई खेम करन वाला आया बार्डर तों अमृतसरों आण के बिल्कुल जी, बहुत निशान ज्यादा माला भी ना जिमीदार किसी मिट्टी का टोकरा नहीं पाया सरकार, आपने जो वोटा लैनिया ने उदों अं आह करा मुड़ के कुछ भी भाजी हमने दस के गए 20,000 एकड़ के लागे फसल खराब हो जानी है जी, तो कोई बंदा सरकार का नहीं पहुँचा जी अज तक। देखो घर के घर तबाह हो गए, लोगों के डंगर जोड़े आ, लोगों ने संगल वढ़ने पे, संगल रोड खोलने पे भी डंगर जोड़े आ बच जा, पर सरकार देखो इन्नी सुती पई आ, कोई बंदा नहीं पहुँचा, कोई बंदा ना पहुँचने वाला ही आ लगता। कोई देखो सरकार की आ, जो वोटा लैनिया होंगे उदो वे वे वादे करते भी अं आवे ताड़ा पुल, जोड़ा 6 महीने पहला जो पुल है ना तुम देखता, 6 महीने पहला सरकार को पता ही भी यह टुट जाना, वेख लो एक मिट्टी का दाणा नहीं इन्हें दे पाया, जिमीदार ने आप पाने मिट्टी पाई, पर वेख लो कोई भी है फसल जी सारी तबाह हो गई की देना सरकार। मेरा नाम है नायबदार सुभाष कुमार, हम कपूरथला से आए हैं और रात को हमें इन्फॉर्मेशन मिला, तकरीबन हम यहाँ पे 10:30 बजे पहुँच गए। उस समय से हमें क्या है, यहाँ पे आपके बांध टूटने वाले थे, इसको हमने मरम्मत किया, वहाँ पे अपनी फौज को लगाया और सैन्य लोगों से उसको मरम्मत किया। उसके बाद हमने सुबह 5:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो कि गाँव से तकरीबन हमने 100 आदमियों को निकाला है अभी, और हमारा अभी तक ये जारी रह रहा है। कितने लोग होंगे अभी अंदर? अभी तकरीबन अनुमान है कि 400 से 500 लोग हैं, जो कि उनके घरों के अंदर पानी घुस रहे हैं और वो छतों पे हैं, उनके सामान भी काफी छतों के ऊपर है। कपूरथला से सीवन न्यूज के लिए नरेश खोसला की रिपोर्ट।